तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अहमदाबाद से पालनपुर के बीच में चल रहे डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य के अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो चल रहा है। और दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से जो वीडियो नहीं आया उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। करते हैं इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से जो वीडियो नहीं आ रहे थे उसका रीज़न कुछ लोगों को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों में उदयपुर और अहमदाबाद के राउंड पर गया हुआ था, जिसमें कि दोस्तों मैंने उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर हिम्मतनगर रेल सेक्शन का एक ब्लॉग रेडी किया था। लेकिन किसी कारण के चलते दोस्तों, उसका जो मेन कंटेंट वीडियो था दोस्तों, ओडा ब्रिज का जो मैंने मेन कंटेंट वीडियो बनाया था, वो किसी रीज़न की वजह से डिलीट हो गया है। और मैं उसको रेगुलर इतने टाइम से रिकवर करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को किसी को आइडिया है कि आखिर डिलीटेड वीडियोस जो हैं उनको रिकवर कैसे करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य दोस्तों आपकी आंखों के सामने है। जहाँ जहाँ पर ट्रैक डल चुके हैं वहाँ वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप ऊपर OHE पोल पे वायर भी लगा दिए गए हैं और बिल्कुल रेडी कर दिया गया है ट्रैक को। CRS की भी जानकारी जो अभी आने वाले समय में दोस्तों दे दी जाएगी रेलवे की तरफ से। बाकी तो ओडा ब्रिज वाला जो वर्क है दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को। मिलते हैं अभी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, अभी आप जो लोकेशन देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जो वीडियो चल रही है दोस्तों, ये महसाणा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला जो सेक्शन है वो वाला एरिया है। यानी कि अभी महसाणा तक दोस्तों अभी रेलवे ट्रैक का काम नहीं किया गया है। और जो आप सामने से रेल लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये रेल लाइन महसाणा तक आ रही है, जो पाटन से होकर के आती है दोस्तों, वो रेल लाइन सामने से आ रही है। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये DFC के लिए, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तो दोस्तों आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं कि जो DFC है वो मेरे अपोजिट साइड, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में दोस्तों DFC का कार्य किया जा चुका है, जहां पर मालगाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है।